हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मास्टर आदित्य। मैं आदित्य श्रीवास्तव आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ऑनलाइन ब्रांड की तरफ से थ्री बर्नर स्टोव का रिव्यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं ऑनलाइन ब्रांड की तरफ से आने वाला जो थ्री बर्नर स्टोव है उसकी अनबॉक्सिंग प्रॉपर रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि जो इसका प्राइस है उसके मुकाबले जो प्रोडक्ट है वो कैसा है यहाँ पर, और काफ़ी सस्ते दाम पे ये मुझे मिल गया है फ्लिपकार्ट पे। थोड़ा ज़रूरत थी तो मैंने मंगाया था, सोचा आप सभी के लिए एक वीडियो बना दी जाए इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि कैसी है इसकी क्वालिटी, जो ऑटो इग्निशन वाला फीचर है वो कैसा है और जो बिल्ड क्वालिटी है कैसी है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के जरिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके सामने, तो वीडियो में बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपने चैनल पर लाऊं आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और जल्दी से देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है यहाँ पर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओपन हो चुका है, ऊपर की जो पॉलीथीन थी मैंने उसको रिमूव कर दिया है। अब बारी आती है हमारे बॉक्स को ओपन करने की, तो चलिए जल्दी से बॉक्स को भी ओपन करके देखते हैं हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसा है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ओपन हो चुका है, इसके ऊपर एक और हमें पॉलीथीन मिली है तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और देखते हैं हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसा है। हालांकि कुछ डैमेज वगैरह दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रोडक्ट जो है फुल्ली सेफ है यहाँ पर हमारा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो बर्नर हैं वो इधर उधर हिल गए हैं, बाकी यहाँ पर प्रोडक्ट में कोई डैमेज नहीं है, कहीं कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अगर इनके बर्नर की बात करें तो इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बर्नर हैं पूरी पीतल की बॉडी है, मतलब कि ऊपर का जो पोर्शन है आपको पीतल का मिलता है ब्रास। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर मेंशन है ये ब्रास की बॉडी है, और इसमें जो स्पेसिंग है जो एक छेद से दूसरे छेद की वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर जो इसके छेद हैं जहाँ से गैस निकलती है तो वो भी काफ़ी यहाँ पर ठीक ठाक लगा। और यहाँ पर इसके ग्लास की बात करें तो ये टफन ग्लास है दोस्तों, आपको इसके रिगार्डिंग शायद जानकारी हो। तो दोस्तों यहाँ पर टफन ग्लास मतलब कि आसानी से टूटता नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अगर स्टैंड की बात करें तो स्टैंड यहाँ पर हमें मिल जाता है आयरन का, मतलब कि लोहे की बॉडी है दोस्तों, और इसका जो डायमीटर है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर सारे स्टैंड की यहाँ पर मैं बात करूँ तीनों बर्नर की तो सेम साइज़ है यहाँ पर, सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पर बर्नर के साइज़ में, दो बर्नर एक साइज़ के आपको मिल जाते हैं और बीच वाला बर्नर आपको थोड़ा सा छोटा, कंपैरिजन टू इन दोनों के आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है। चलिए इसका बैक पोर्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बैक पोर्शन में कुछ ऐसे यहाँ पर काम किया गया है, ऑटो इग्निशन फीचर के साथ ये चूल्हा आता है। तो दोस्तों इसमें आपको लाइटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइटर का झंझट आपका हट जाता है। और यहाँ पर अगर चूल्हे के नीचे वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये आपको एल्यूमिनियम में मिलते हैं, मतलब कि आपको डेकचून या फिर लोहे का नहीं है, क्योंकि लोहे का कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का यहाँ पर दिया गया है तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और यहाँ पर ऑटो इग्निशन का फीचर है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, टफन ग्लास है। उसके बाद यहाँ पर अगर इसके स्टैंड की बात करूँ तो यहाँ पर चार स्टैंड आपको दे दिए जाते हैं जिसको आपको खुद ब खुद असेंबल करना होता है, हालांकि काफ़ी इजी होता है, घर में प्लास या फिर कोई रिंच है तो आप आसानी से इसको असेंबल कर सकते हैं। यहाँ पर चार आपको स्टैंड दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे स्टैंड और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इसके प्राइस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो 1799 में ये जो चूल्हा है मुझे पूरा पड़ गया है। अभी मैंने चेक किया था तो फ्लिपकार्ट पे 1699, मतलब 100 रुपये और घट गए थे, तो काफ़ी सस्ता ये जो चूल्हा है मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ पे जाकर परचेस कर सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की इस वीडियो के जरिए कोशिश करी है, तो अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको कुकर नज़र आ रहा है
तीन लीटर का यहाँ पर ये कुकर अभी मैंने रखा है, जो कि पूरी तरीके से इसके स्टैंड पे आ गया है। तो इसका स्टैंड का जो साइज है, जो डायमीटर है, वो काफ़ी अच्छा है। और ये जो कुकर है इंडक्शन बेस के साथ है, तो पूरी तरीके से यहाँ पर बैठ गया है, कहीं से लुढ़कने वाला नहीं है कि हाँ आपका स्टैंड छोटा है, आपका बर्तन बड़ा है तो लुढ़क जाएगा। जो डायमीटर है काफ़ी अच्छा, स्पेसिंग यहाँ पर दी गई है, एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे के बीच में जो स्टोव के बीच में स्पेसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। और यहाँ पर जितनी प्राइस में क्वालिटी मैंने एक्सपेक्ट की थी वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर परचेज़ करना चाहते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।